हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, फ्लिपकार्ट से ना मैंने मंगवाए थे ये कैरा मिया के सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। तो यार मैंने सोचा क्यों ना इन्हें एक बार ट्राई करके देखा जाए कि ये कैसे हैं। एंड इससे पहले जो हूँ ना, मैं कैरा मिया का एक फेस वॉश भी ट्राई कर चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, एंड वो मुझे जो है ना काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसी करके जो है ना मैंने कैरा मिया के पैड्स भी मंगवा लिए, ये देखने के लिए कि यार जिस हिसाब से इनका प्राइस है ना, मतलब काफ़ी सस्ता मिल रहा था, तो उस हिसाब से ये कम प्राइस में दे रहे हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है या बेकार है, तो ये चेक करने के लिए। अगर अच्छा निकला तो यार अच्छा ही है, और बेकार निकला तो फिर दोबारा नहीं खरीदेंगे और क्या। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरा मिया के सैनिटरी पैड्स का रिव्यू। एंड इसको यूज करने के बाद ही मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आपको मिल जाएगा ये, मतलब कि ये प्लास्टिक आप इसे बोलो या फिर पॉलिथीन बोलो, तो इसी के में आपको जो है ये पैड्स मिलेंगे। एंड गाइस, सबसे अच्छी चीज इसकी ये कि ये जो है ना कॉटन के पैड्स हैं, जो कि मुझे काफी कंफर्टेबल लगते हैं। एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि यार सिंथेटिक पैड्स के बजाय जो ना आप कॉटन पैड्स यूज किया करो, क्योंकि यार सिंथेटिक से क्या होता है ना, इरिटेशन वगैरह होती है, रैशेज हो जाते हैं, एंड कॉटन वाले जो ना काफी कंफर्टेबल रहते हैं। तो गाइज, ये जो है ना कॉटन के हैं, एंड इसमें जो है विंग्स भी हैं, एंड रेगुलर पैड हैं ये। तो आई डोंट थिंक कि इसके और साइज भी अवेलेबल है, क्योंकि यार मुझे तो ना रेगुलर वाले ही वहां पर दिखे थे। तो अब बात आती कि यार ये यूज करने में कैसा है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ना इसे वियर किया, यूज किया, एंड यूज करने में जो है ना मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। ऐसा नहीं लगा कि यार कोई इरिटेशन वगैरह हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काफी कंफर्टेबल रही हूं मैं इसमें। एंड वेटनेस भी फील नहीं होता है इसमें, 100% जो है ना फ्लूइड लॉक रखता है ये। अगर आपका जो पीरियड ब्लड है ना, उसको जो है ना सोक करने की कैपेसिटी इसमें काफी अच्छी है, तो यार ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। एंड अगर आपने स्टे फ्री के पैड्स यूज किए होंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि उसके कंपैरिजन में ये वाला जो है ना, मतलब इनमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बस 19-20 का फर्क है इसका, ये कि साइज वाइज उसी के बराबर है, रेगुलर वाले के बराबर। मतलब स्टे फ्री का रेगुलर पैड जितना होता है ना, वही ये है, उतना ही साइज का मतलब ये है। और इसकी जो थिकनेस है ना, वो उससे थोड़ी सी कम है, ज्यादा नहीं बोलूंगी बट उससे थोड़ी सी कम है, तो ये इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है। और दूसरी बात ये कि इसमें से जो है ना कोई भी स्मेल नहीं आती है, तो मुझे जो है ना जिसमें से कई पैड्स मतलब ऐसे होते हैं जिसमें से स्मेल आती है, तो यार वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है, स्मेल फ्री है, तो ये भी प्लस पॉइंट है यार इसका। एंड गाइस, ये पैड जो है ना डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो यार मुझे तो ये पैड जो है ना काफी अच्छे लगे। एंड गाइस, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में, तो यार मैं इसका आपको प्राइस भी बता देती हूँ। तो गाइस, ये जो है मुझे जस्ट ₹40 में मिला है, एंड इसमें जो है 18 पैड्स आपको मिल जाते हैं, तो यार काफी अच्छा है, क्योंकि यार अगर आप नॉर्मल भी आप बाहर परचेज करते हैं, जैसे कि स्टेफ्री वाला, वो ₹32 के आप तो ₹34 में मिलता है, तो उसमें आई थिंक 6 पीसेस आपको मिलते हैं, तो यार उसकी बजाय यार आप उसमें ₹4 ऐड करके ये मंगवाओ, एंड 18 पैड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बेकार है, काफी अच्छे हैं कॉटन के, यार और क्या चाहिए। तो यार मुझे तो काफी अच्छे, मेरे पर्सनली काफी, मुझे काफी अच्छा लगा। एंड अगर लिंक मैं आपको इसका शायद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यार मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ये जो है ना फ्लिपकार्ट की ग्रोसरी से मैंने मंगवाए थे, तो मैंने वहां से लिंक लेने की कोशिश तो की थी, बट वहां से लिंक नहीं किया जा रहा है। अगर आपको खरीदना हो ना, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाना, वहां पर जो ग्रोसरी होती है ना वहां पर जाना, और वहां पर कैरा मिया के सैनिटरी पैड्स लिख देना, वहां पर वो आ जाएगा, एंड वहां से आप मंगवा सकते हो। तो या मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार जरूर ट्राई करना, मुझे तो काफी पसंद आए, एंड या आप भी ट्राई करो। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।